समाजवाद के कब्र पर जो ये पनपा हुआ परिवारवाद का ये जहरीली जो खेती है, ये बिहार के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। किसी के लिए भी 25 साल की आयु में उसको ज्ञान जरूर हो जाता होगा। मैं विश्वास करता हूं और मैं समझता हूं, मैं आशा रखता हूं कि आरजेडी के पास अब ज्ञान हो गया होगा। तो लगाए हैं तो बिहार को वो सब युग याद आ गया। वो कपकपाती हुई रात, वो थरथराती हुई रात, भागते हुए यहाँ से व्यवसायी। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में सियासी हलचलों के बीच आज दो यात्रा निकल रही है बिहार से। दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, एक चिराग पासवान का कार्यक्रम और एक लालू प्रसाद यादव यानी राजद का कार्यक्रम। राजद आज 25 वर्ष का हो चुका है और आज का कार्यक्रम राजद ने ऐलान किया है कि आज के कार्यक्रम जो होगा उसके बाद राजद सत्ता पक्ष के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता अखिलेश जी हैं। सर, राजद ने ऐलान कर दिया है कि आज का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद वो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। सबसे पहले तो आज आरजेडी 25 साल का हो गया। मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी 25 साल की आयु में उसको ज्ञान जरूर हो जाता होगा। मैं विश्वास करता हूँ और मैं समझता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि आरजेडी के पास अब ज्ञान हो गया होगा कि किस तरह से राजनीति करनी चाहिए, किस तरह से सत्ता चलानी चाहिए, कैसे विपक्ष में होना चाहिए, उसके क्या नॉर्म्स होते हैं। और आज उनकी स्थापना दिवस पर ये ज़रूर है कि आज बिहार के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है कि बिहार के लोग आज पोस्टर देख रहे हैं जिस पर लालू जी, राबड़ी जी हैं। चुनाव में उनको अपराध और क्या कहते हैं कि अपहरण उद्योग और गुंडा राज का प्रतीक मानते हुए तेजस्वी जी ने पोस्टर से उनका नाम फोटो हटा दिया था। इस बार वो लगाए हैं तो बिहार को वो सब युग याद आ गया है। वो कपकपाती हुई रात, वो थरथराती हुई रात, भागते हुए यहाँ से व्यवसायी, डरते हुए यहाँ के अधिकारी, दियर में ले जाए जा रहे व्यवसायी, ये सब कुछ लोगों को याद आ गया क्योंकि लालू जी, राबड़ी जी उसी के प्रतीक हैं। और मैं समझता हूं कि उसी परंपरा का निर्वाह करने का प्रयास तेजस्वी जी कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक बात और जुड़ गया है कि वो इसके साथ साथ उनके ये दोनों बालक अशिष्टता के भी, और उनके ये दोनों बालक ही नहीं, परिवार के और सदस्य भी उनके जो हैं अशिष्टता का भी के भी प्रकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। अपने पार्टी के लोगों के साथ अशिष्टता करना, दुर्व्यवहार करना उनके साथ, और समाजवाद के कब्र पर जो ये पनपा हुआ परिवारवाद का ये जहरीली जो खेती है, ये बिहार के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, बिहार के लिए काफ़ी घाटे का सौदा है। और इसलिए हम तो ये कहेंगे अब बहुत हो गया, माफ़ कर दीजिए, बिहार आपसे मुक्ति चाहता है। सर, आपने पोस्टर की बातें कहीं, तो जो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है उसमें तेज प्रताप गायब हैं। हाँ, ये है, उनके यहाँ तो कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा है कि अब उनके लिए एक ही विषय है कि परिवार के सब लोग कैसे सेट हो जाए, परिवार के सब लोग किस प्रकार से राज्यसभा, विधान परिषद, इन सब में चले जाए। आपस में संघर्ष भी है, आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य का जिस प्रकार से एंट्री हुआ है, तो आरजेडी में लालू परिवार के जो बच्चे हैं उनको काम करने का जो सबसे बड़ी अहर्ता है वो अहर्ता है कि वो परिवार का सदस्य हो, और दूसरी अहर्ता है कि वो अशिष्ट हो। तो ये दोनों अहर्ताएँ रोहिणी जी भी, आचार्य जी भी पूरी करती हुई और राजनीति में इंट्री मारने को बेचैन है। मीसा जी को लगातार दावा कर रही हैं, मीसा जी को जो है सो की चुनौती दे रही हैं। तो इस प्रकार से कभी तेज प्रताप जी, कभी तेजस्वी जी, कभी मीसा जी, कभी रोहिणी जी, ये सब चल रहा है और चलता भी रहेगा। परिवार के और सदस्य हैं तो जैसे परिवार की संपत्ति पर, माने बुजुर्ग के संपत्ति पर बच्चों का बंटवारा होता है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने आरजेडी को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते हुए आपस में बंटवारा करने का जो निर्णय लिया है और जो प्रयास किया है, इसी का परिणाम है ये सब। अब फिर मैं कह रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए भाई, बिहार आपसे मुक्ति चाहता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।